ऑल राइट सो हेलो एंड वेलकम एवरी वन ऑन आकाश is दिस इज गौरव तिवारी एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द बेस्ट not just नॉट जस्ट फॉर mains बट फॉर ऑल अदर एग्जाम्स दैट यू मे गिव इन योर फ्यूचर बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ ये चीजें जो मैंने सीखी हैं बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज से सीखी हैं और मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस भी लगाया है काफी सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगाया है और अब ये जो तरीके हैं इनमें आप मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो राइट right. अच्छा बहुत बार मुझे हम लोग को ये सुनने को मिलता है सर कि मुझे हर कोई कहता है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ तो हमें कितने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए शॉर्ट नोट में क्या डालना चाहिए राइट right. क्यों जरूरी है कैसे बनाने चाहिए देखो बहुत सारी चीजों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे उसको तो अंत तक देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं अगर आपको ये सारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस पर्टिकुलर चैनल और आप चौदह दिन के लिए आकाश बायजूस का फ्री ऐप ट्राई कर सकते हैं चौदह दिन के लिए ये फ्री रहेगा right आपको कोई भी एक पैसा नहीं देना है right और इस ऐप में बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक वे में आपके लिए डिजाइन की गई हैं राइट चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी, अपनी, अपनी अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि हाउ मेनी रिविजन आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सब्जेक्ट ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है भैया देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं राइट तो हर तरह की लर्निंग इस तरीके से फॉल होती है राइट इस कर्व को हम कहते हैं रिटेंशन कर्व जो हमारी नॉलेज है शुरुआत में एकदम होती है फ्रेश लेकिन समय के साथ होती जाती है वो पुरानी और वो होती जाती है गायब हम कई दिनों के बाद जब देखते हैं उसी नॉलेज को तो हम समझते हैं कुछ याद तो आ रहा है लेकिन पक्का पक्का याद नहीं आ रहा है आधा आधा याद आ रहा है राइट तो इस चीज को हम कहते हैं रिटेंशन कर्व अच्छा रिटेंशन कर्व को हम ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं आप कहते हो कि हम एक हमने एक चीज निकाली थी जिसको हम कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन स्पेस्ड रेपिटेशन राइट इसका मतलब क्या है सर जब हम थोड़े थोड़े समय पर सेम चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन और ऐसा करने से जो चीज हमारे दिमाग में है वो हमारे दिमाग में बनी रहती है उड़ती नहीं है राइट पहला रिवीजन आप एक दिन में फिर तीन दिन में फिर, फिर छह दिन में ऐसे आप करते हो लेकिन बच्चों क्या ये क्या ये एक फैक्ट है क्या ये हमेशा अप्लाई होता है अच्छा हमने कहा सर हम इतना रिविजन तो हम बार बार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता राइट कहने के लिए बात बहुत अच्छी है और बार बार हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम जो चीज़ हमने आज पढ़ी है उसको हम फिर आज रिवाइज करें फिर तीन दिन बाद रिवाइज करें फिर छः दिन बाद रिवाइज करें तो सर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें हमारे पास रिविजन में कम समय लगे और पेपर आने तक जो इन्फॉर्मेशन हमने आज ली है वो पेपर आने तक हमारे दिमाग में रहे है ना क्योंकि हमें तब तक तो रखनी है एक दो साल तक हमें वो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी होगी है ना तो कैसे करें हम बेटा देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिटेंशन और रिविजन को अफेक्ट करते हैं हमने कहा दो फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं पहला फैक्टर कहलाता है बेटा लॉजिक और सेकेंड फैक्टर कहलाता है एक्सपीरियंस राइट लॉजिक में हमें यह पता चलता है कि वो चीज़ कितनी लॉजिकल है जो हमने अभी भी सीखा है जो इंफॉर्मेशन हमने ली है वो कितनी लॉजिकल है और सेकंड में हमें यह पता चलता है जो इंफॉर्मेशन हमने ली है क्या हम उसको एक्सपीरियंस कर पाए क्या उसे महसूस कर पाए ये दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे आपके लिए कि आपको कितने रिविजन चाहिए ठीक है इस चीज़ को समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स पहले हम इन्हीं तीन का एक्जाम्पल लेते हैं फिर मैं और भी एक्जाम्पल बताऊंगा अच्छा केमिस्ट्री में क्या ज्यादा ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जिनको हम महसूस नहीं कर सकते एक्सपीरियंस नहीं कर सकते स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और क्या उसमें लॉजिक भी काफी कमी होते हैं रिलेटिवली अदर सब्जेक्ट्स के इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स में लॉजिक भी कम होते हैं राइट right? तो हम क्या कह सकते हैं दिस सब्जेक्ट इज लो ऑन एक्सपीरियंस एंड लो ऑन लॉजिक्स और ऐसे सारे सब्जेक्ट जो लो ऑन एक्सपीरियंस एंड लो ऑन लॉजिक्स हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ठीक है क्योंकि तो दिमाग ने ना तो उसको एक्सपीरियंस किया है ना तो उसके लॉजिक को समझा है वो एक फैक्ट राइट तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करने का सबसे तेज तरीका क्या होता है कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें राइट तो मैं आपसे कहता हूं कि केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हमें जरूर जरूर बनाने चाहिए ठीक है अगर आप केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना के चलेंगे तो आपका रिविजन जल्दी हो जाएगा और बार बार हो जाएगा ठीक है और पेपर तक हमारे पास वो इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगी मैथ्स में हम क्या बोलेंगे मैथ्स इज मैथ में बहुत सारी चीजें जो आप भले एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जैसे इंटीग्रेशन हो रहा है डिफ्रेंसेशन हो रहा है हमें महसूस नहीं हो रहा लेकिन क्या हर स्टेप पिछले वाले स्टेप से लिंक होता है हर स्टेप का एक लॉजिक होता है आप बता सकते हो हमने कहा यस सर ये बताया जा सकता है यानी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी हाई ऑन लॉजिक इवन इफ इट इज स्लाइटली लो ऑन एक्सपीरियंस आप महसूस नहीं कर पाते लेकिन लॉजिक बहुत हाई है और ऐसी हर चीज जो लॉजिक में बहुत ज्यादा हाई है उसके लिए केवल एक ही तरीका है सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप राइट तो आप कहोगे सर हम रिवाइज कैसे करें मैथमेटिक्स को बेटा मैथमेटिक्स को रिवाइज भी हमें प्रैक्टिस के थ्रू करना है मतलब जब आप पहली बार सवाल सॉल्व करेंगे कोई भी राइट आप सीख रहे हैं उन सवालों को सॉल्व करना जो सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आप एक टिक मारेंगे जिन सवालों को सॉल्व करने में आपको ज्यादा आप आप तो आप आप आपको दिमाग में याद आ जाएगा शुरुआती तीन चार स्टेप तो आपसे हो रहे हैं लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे तो आप कहीं बीच में अटकोगे है ना ऐसा होता है तो जो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं उनका रिवीजन भी प्रैक्टिस से ही करना है और इनमें जो इनके मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स में क्या आएगा मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूलाज आएंगे बात समझ में आ रही है हमने कहा यस सर ये बात समझ में आ रही है तो मैथमेटिक्स का रिवाइज कैसे रिविजन कैसे करेंगे प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे पहली बार जब हम रिविजन करने बैठे हमसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी जो एक टिक वाली प्रॉब्लम हमने लगाई है उनमें से कुछ हो जाएंगी कुछ नहीं भी होंगी तो इस बार हम जो जो प्रॉब्लम अब फर्स्ट रिवीजन के दौरान नहीं हुई है उन पर हम एक और टिक लगा देंगे तो उन पर क्या हो जाएंगे दो दो टिक हो जाएंगे यानी कि फर्स्ट रिविजन के दौरान में भी इसमें मैं फंसा था ठीक है फिर आप अगली बार जब उन डबल टिक वाली प्रॉब्लम को करने बैठोगे ठीक है इससे क्या होगा आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथन होता जाएगा बात समझ में आ रही है आपको तो मैथमेटिक्स को हम प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करते हैं सिंगल टिक पहली बार में फिर अटके डबल टिक फिर तीसरी बार बैठे तो ट्रिपल टिक वाली प्रॉब्लम आ जाएंगी इस तरीके से आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम होती जा रही हैं और इस तरीके से आपका रिविजन टाइम मैथमेटिक्स में कम होता जाता है अब हम आते हैं फिजिक्स क्यों ठीक है फिजिक्स को कैसे रिवाइज किया जाए हमने कहा सर फिजिक्स का नेचर कैसा है फिजिक्स में लॉजिक और एक्सपीरियंस दोनों है ठीक है जैसे अगर मैं लॉज के बारे में बात करूं और प्रिंसिपल के बारे में बात करूं प्रिंसिपल एंड लॉज टी एन एल के बारे में बात करूं फॉर एग्जांपल मैं आर्कमेडिक्स प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं एम्पियर्स लॉ के बारे में गोस लॉ के बारे में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये क्या सारे लॉज आप भूलोगे कभी एक बार आपने पढ़ लिया कि न्यूटन लॉ में हो क्या रहा है दो पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीजें महसूस करी जा सकती हैं है ना और जो भी चीजें महसूस करी जाती हैं बेटा वो तो आप कभी भूलते नहीं हो है ना वो चीजें कभी आप भूलते नहीं आप न्यूटन का लॉ नहीं भूलोगे क्या भूल सकते हो आप उसका फॉर्मूला भूल सकते हो उसका एंड रिजल्ट भूल सकते हो ठीक है तो आपको जब शॉर्ट नोट बनाना है फिजिक्स का तो आपको इन लॉज के एंड रिजल्ट्स को जो फॉर्मूलाज हैं एंड रिजल्ट को आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में क्या जाएगा डेफिनेशन नहीं जाएगी हमें देखा है बच्चे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें पूरा ग्रेविटेशन का लॉ लिख रहे हैं पूरा उसमें एमपीएस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो लिख रहे हैं नहीं नहीं वो दिमाग से थोड़ी जा रही है वो तो हमने एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है क्लास में समझ लिया है हमें अपने शॉर्ट नोट में एंड रिजल्ट डालना है हमने कहा सर दूसरा पार्ट भी है फिजिक्स में जो कि होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हाईली लॉजिकल पार्ट है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स सर yes, और मैंने क्या बताया जहां लॉजिक हाई उसको कैसे रिवाइज करोगे हमने कहा सर प्रैक्टिस के थ्रू ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट को आप प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करोगे कैसे जैसे मैंने अभी बताया आपको आप पहली बार प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो आपको कुछ प्रॉब्लम्स अच्छी लगेंगी उन पर आप सिंगल टिक मारो ठीक है इतनी सारी प्रॉब्लम्स बन गई ठीक फिर अगली बार जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठे तो हम किन प्रॉब्लम्स को रिवाइज करेंगे कैसे रिवाइज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने कहा जिन पे जिन पे हमने टिक मारा है अब हम उनको सॉल्व करेंगे एक दिन ठीक अच्छा अब इसमें से कुछ प्रॉब्लम हमसे होंगी कुछ में हम अटक जाएंगे जिन पे हम अटक गए वो डबल एक एक टिक और एक एक टिक और आ जाएगा उनपे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो हमें रिवाइज करनी है वो और कम होगी हो, हो गई कि नहीं हो गई हमने कहा यस सर इसी तरीके से फिर हम फिर रिवाइज करने में बैठे तीन टिक मारे और हमारे पास रिवाइज करने के लिए और कम प्रॉब्लम है बात समझ में आ रही है तो हर बार फिजिक्स की प्रॉब्लम जो आपको रिवाइज करनी है उनका नंबर भी घटता जा रहा है और यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप फिजिक्स में मास्टरी ला सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो प्रिपरेशन के दौरान उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम तक अपने माइंड में रख सकते हो है ना क्योंकि अगर हम ये तरीके नहीं लगाएंगे और शॉर्ट नोट्स बनाने में ही अपना सारा समय लगा देंगे तो भैया हम प्रैक्टिस कब करेंगे राइट right? हमारे पास समय तो लिमिटेड है हमने कहा यार सर हमारे पास समय लिमिटेड है और अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो आप समय को ज्यादा बर्बाद किए बिना लिमिटेड समय में बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे ठीक है चलिए आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं राइट इस वीडियो को लाइक like कर सकते हैं ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मैं इस वीडियो को रखूंगा यहीं तक मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में किसी और स्ट्रैटेजी के साथ तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना टेक केयर बाय बाय